कहने के लिए और क्या ना कि फिसल गया तो धाम करके नीचे बिच्छू घास की जड़ में मिलेंगे। इन बेलों के सहारे उतरना है जिस तरह के भाई उतर रहा है। दो घंटे की मेहनत के बाद हम लोग पहुंच गए पानी की जड़ में, जहां से हमारे गांव का पानी आता है। ये देखो गाइस पानी की स्पीड, यहाँ से जा रहा पड़ा क्या कर रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पहला, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गाँव के जंगल से, तो हम सभी लोग जा रहे हैं पानी सही करने के लिए। अभी हम लोग अपने गांव के सबसे टॉप वाले एरिया पे, ये पूरा चीड़ का जंगल है, तो देखो सारे भाई लोग जा रहे हैं, हम सभी लोग जा रहे हैं पानी सही करने के लिए। ये पूरा अपना गांव रहा, लगातार 4 दिन की बारिश से पूरी पाइपलाइन ध्वस्त हो चुकी है, उसी को हम लोग सही करने जा रहे हैं। चौक लगी भाई, ये देखो भाई झड़ा हो तो भाई खुद निकालना, ये डंडा से लड़का भाई ये। अरे भाई इतनी बड़ी बड़ी चौंक लग रही है। सबसे पहली चौंक मेरी पैर पे लगी थी और मैंने खिमू भाई को बताया कि चौंक लगी करके, तब तक देखा इनके पैर पे लगी हुई थी। और दीपक भैया की हड्डियां काफी मजबूत है क्योंकि खून तो है नहीं, जॉक भी शर्म के मारे चढ़ रही है उतर जा रही है, बोले यार कहीं चढ़ गई। गाइस 2 घंटे की मेहनत के बाद हम लोग पहुंच गए पानी की जड़ में, जहां से हमारे गांव का पानी आता है। तो गांव से यहां तक पूरी चढ़ाई थी क्योंकि सबसे टॉप का पानी आता है। आजकल तो गाइस बरसात की वजह से पूरा पानी भरा हुआ है, गर्मी के टाइम में बहुत कम पानी होता है यहाँ। यहाँ पानी का मूल स्रोत, पानी की लाइन कहाँ है, पानी का पाइप ये है गाइस, एल्काफिन का पाइप, क्योंकि ये पूरी टूटी हुई है, जड़ मेन नीचे है गाइस। जो हमारे गांव की पानी की लाइन है वो पूरी टूट गई है, तो हम लोगों ने पूरा जुगाड़ करके एल्काफिन का पाइप डाला हुआ है। ये देखो ये टेम्परेरी जुगाड़ है। पानी सही करने के लिए इतने ज्यादा लोग आ रखे, देखो सभी लोग काम छोटे था कर रहे हैं, मत हो गया। ये तो खाली है बस, ये त्रिमूर्ति खाली है, ये त्रिमूर्ति, ये ग्राम प्रधान है, पहला काम इनका होता है हमारी वजह से। भाई भाई यहाँ पे पानी सही करके हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हमारा पानी का मूल स्रोत है, जहाँ से पानी आ नहीं रहा था क्योंकि वो पूरा खराब हो चुका है ना। ये तो पूरा जुगाड़ है एल्काफिन के पाइप से, नीचे मेन लाइन है यहाँ पर से। तो भाई यहाँ कोई फिसलेगा तो जय माता की हो जाएगी, यह करके दिखाओ गाइस। यहाँ पे गाइस पानी का मूल स्रोत था जो पूरा खत्म हो चुका है, ये पानी की टंकी है। तो गाइस पानी की स्पीड, यहाँ से जा रहा पड़ा क्या कर रहे हो ये, वो देखो वहाँ पे मार कर रहा पानी, ये इतना पानी है। यही है पानी का मूल स्रोत था जो खराब हो गया, ये आपको दिख रही होगी लाइन। अब यहाँ से हम लोग इसको जोड़ेंगे, इतना बड़ा पत्थर फंस गया था गाइस पानी के पाइप में जो कि निकाला गया है। ओ भाई भाई अगर ये गिर गया तो दीपक यहीं बिक जाएगा। यहाँ से गया ना पीछे, देख भाई वहाँ पहुंचेगा, मिलेगा भी ना फिर, और पानी भी बहुत ठंडा है। अरे भाई अरे भाई पानी का मेरे मजे, अरे क्या चल रहा है उनको, छोटे अल्ता को पूरा भिगा दिया इन दोनों ने भाई। देखो गाइस हमने पूरा इसको पैक कर दिया इस तरीके से, ये एल्काफिन का पाइप है, यहाँ पूरा बंद कर दिया, वहाँ से पानी की डायरेक्शन यहाँ को रख दिया जिससे कि इधर को पानी ना आए, और ये पूरा बंद कर दिया। अब यहाँ से रास्ता देख सकते कितना डिफिकल्ट है, ओ भाई बड़ा रिस्क है, अगर यहाँ से गाइस पाँव फिसलेगा ना सीधे इंसान वहाँ पहुँचेगा उस झरने के जड़ में। बहुत बड़े भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया गाइस, ऊपर कंपैक्ट में आएगी जो उसके बाद नीचे को और मिल गई। ओ भाई इधर पैसे मिल गया, ये देखो गाइस इस तरीके से चढ़ना पड़ता पाइप के सहारे, और पैर फिसल रहा यहाँ से नीचे, ये इतना मस्त वाटरफॉल लग रहा है, पत्तियाँ इतने तक गीली हो रखी है ना कि फिसल गए तो धाम करके नीचे बिच्छू घास की जड़ में मिलेंगे। इन बेलों के सहारे उतरना है जिस तरह के भाई उतर रहा है। ओ भाई इतनी तगड़ी वाली बिच्छू घास लगी हाथ में, हाथ झंड आ गया पूरा। ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या, अरे ये नहीं चलेगा यार, ये क्या कर रहे हो। पूरन ने अभी छोटे डाको दिखाया था, छोटे ने पूरन को दिखा दिया हिसाब बराबर। चाचा देखो कितना डर रहे हैं भाई, दीपक ओ भाई मुझे मत ले, अब मत कर साले, अरे फोन ले, अरे फोन तो है वाटर प्रूफ साले, अरे भाई फोन नहीं है, भाई फोन नहीं है वाटर प्रूफ साले, फोन भीग गया, फोन तोड़ना है भाई।
भाई पूरा फोन बिगा दिया, अब देखना इसकी तो भाई कैमरा आ गया ना, क्या ना सूरज में बुर रहा है। हाँ भैया चल बिगा बिगा, अरे क्यों बच रहे रे सूरज भाई का दिमाग देखा जाए। ओ भाई पत्थर उठ बैग भाई, ओ पत्थर उठ बैग, अब क्या कर रहा भाई, ओ पत्थर उठ बैग, उसको भिगाने की सोच रहे हम, कहा डरपोक पत्थर फेंक रिया। ये देखो ये आगे बाल में मस्त करने मिशन कंप्लीट। आई कर कर ओ भाई बहुत बच रहा था, पकड़ पकड़ के चलाया। और मेरा फोन ले भी जाता है ना यार भाई, पूरे फोन में पूरा पानी पानी डाल दिया ये पूरी कॉल वाला बच चाचा को भिगा दिया खाली खाली में। होलियो की याद आ गई पूरी यार, गाइस पूरा भीगने के बाद मेरे पास दो दो काम है, फोन भी संभालने हैं और लिंगले भी उठाने हैं, ब्लॉग भी करना है, तीन काम है सॉरी। तो सभी लोग लिंगले उठा, सूरज भाई वहाँ गए हुए हैं, चिमू भाई यहाँ से उठा रहे हैं, दादा चाचा इस तरीके से लगे रहते हैं, ये देखो बस तोड़ते जाना है। भाई सीधा सांप बन रहा, भाई सांप बन जा सांप, अब बहुत बढ़िया भाई सांप बन गया, अब मर जा ठीक है साले, अभी मरने वाला था भाई ये, अभी जाने वाला था ये, वाटर प्रूफ का बड़ा मजा आ रहा है। अरे खत्म हो गई हूँ, पाँच ही चल जाओ देवगा पानी सही करने आ रखे हटोलो की गल्ला, बहुत बढ़िया जुटा लो आ रखे इतना बड़ा रिंचा लेके। तो गाइस पूरे हालत नहा के बाद कई मस्त हो गई है, देखो पूरी हड्डियाँ हड्डियाँ दिख रही है मेरी, हड्डियों पे कोई कमेंट नहीं करेगा। सूरज मगरमच्छ मगरमच्छ, गाइस देख सकते हो कि मोबाइल का खून ज़्यादा खा दिया, एक जगह दो जगह तेरे घर का पाप बच गया, ये देखो भाई अरे मेरा खा दिया यार, दो जगह एक इधर एक इधर, सही है भाई दोनों जगह मेरे पैर में लगा, जाते टाइम लगा था खाया नहीं, हमारे जो कपड़े पूरा तौलिया का काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूरे कपड़े भीग चुके, पकड़ पकड़ के नहला रखा ना पूरा, वीडियो में आपको दिखा होगा कि हम लोगों ने मजे से नहाया, पर सच्चाई ये थी कि हमको जबरदस्ती नहलाया गया तो अब पूरे कपड़े गीले हो गए। तो यहाँ से गए आपको पूरा हमारा गांव देखने को मिलेगा, देखो पूरा गांव है, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा रखा था पूरा गांव, हम लोग घूमे थे इस वाले हिस्से में नहीं आए थे, तो ये हमारे गाँव का सबसे टॉप वाला एरिया जो आपको इस वाले ब्लॉग में देखने को मिल गया, तो पूरा अपना गाँव है जी। हमारे गाँव की पानी की टंकी तो भाई आधी भर गई और इतनी गंदी हो रखी है, पूरी मिट्टी मिट्टी, इसको साफ़ करें दीपक भाई जाएंगे इसके अंदर, गाय जब टंकी को साफ करना बहुत बड़ा टास्क है, तो इसके अंदर घुसना पड़ेगा, इसका सप्लाई पाइप वाला हटाना पड़ेगा ढक्कन आगे से, तब जाके सारी गंदगी बाहर होगी। एक जोंक ने मेरे को भी काट दिया, पूरा खून निकलने लग गया देखो, अरे भाई एक और लग गया पूरा खून ही खून हो गया, चार जगह खून निकल गया, तो यहाँ से चाचा जी ने सप्लाई पाइप खोल दिया, यहाँ से जितना भी गंदगी होगी सारी निकल जाएगी, पहले पूरे टंकी हम खाली करेंगे। गाइस देख सकते हो कितना गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक सा पानी है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ फैक्ट्री चली हो और फैक्ट्री से नाला निकल रहा हो गंदा वाला, पूरा गंदा पानी, इतनी बड़ी चौक, अरे रुका ये तो करा का, ये भाई साहब ये देखो गाइस काम करा का पुण्य, तो कोई विटामिन इतनी बड़ी चौक निकली है भाई साहब, बाप रे छी, ये तो गुरबचा लगी जानवर वाली चौक आ गई रहेंगे पानी बहते बहते, अब तो पानी पीने का मन नहीं कर रहा है। दो दो खड़े हैं, सूरज अंदर गया, मैंने टंकियां बंद करा, वो खोलने में मर जाएगा वो, और बच गया, बच गया सूरज, सूरज बच गया, अब जाएंगे दुर्गेश नहीं कुछ,
गाइस ठंडा हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा। हिलाओ हिलाओ, गंदा पानी बाहर निकालो तो। गाइस ये भी पानी की टंकी, यहाँ पे पूरा कीचड़ की जगह रखा है। ये देखो गाइस ऐसे लाना है। दोस्तों तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से पूरा लोग हिला रहे और इधर पर यहाँ पे घर पर है सप्लाई पाइप, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं सप्लाई पाइप से वहाँ से वो हिला रहे, तो यहाँ इतना गंदा पानी आ रहा है, देख सकते हैं। और दो तीन पाइप ही लगा रखे हैं, ये देख सकते हैं। ये यहाँ पर दाजू इधर ने दाजू ने खोल दिया है, देखो इतना गंदा पानी आ रहा। अभी तक ये जा रहा था हमारे घर, अब जाएगा साफ पानी सफाई करके टंकी की। और एक इधर पर खुला है, इधर पर आ रहा तो घर। ये देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा, क्या मस्त व्यू है, नज़ारे। ये दीपू चमन इसके सिक्स पैक देख सकते हैं। तो टंकी से ये पता नहीं किसके कपड़े, दो टंकी कपड़े मेरा ऐसा बना दिया, ये तीन कपड़े भी गिरे थे टंकी में। दोस्तों तो टंकी हो चुकी है साफ, देख सकते हैं ये बना दिया हमने चमचमाती टंकी गाइस। जो लास्ट की बची हुई गंदगी है वो भी निकल रही है बिल्कुल, देखो बहुत कम निकल रहा है, बिल्कुल खत्म खत्म हो गई पूरी, ऑलमोस्ट पूरी कीचड़ यहाँ से पूरा काला काला, ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री का गंदा पानी निकल रहा है पूरा। हम भाई अभी आ रहे हैं, जब पूरी टंकी साफ हो गई है, पूरे दिन भर बंदे सो रखा। हाँ हमारे साथ वहाँ जरूर आए, पर आए इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, आप आए, आप आए, खुश रहो बेटा, आए आशीर्वाद है, आए फलो फूलो। बस मैं ये सोच रहा कि आखिर क्यों दिन के 1:37 और अब जाके हम लोग पहुँच रहे हैं घर पे पानी सही करके। तो पहले जड़ से पानी सही किया, फिर टंकी साफ़ की, उसके बाद जाके उसको जोड़ा, फिर जाके पानी पहुँच गया, अभी टंकी भरेगी फिर जाके घर पहुँचेगा। तो मौसम दिन का पूरा पैक होने लग गया, अब ऐसा लग रहा है कि शाम तक फिर बारिश हो जाती है। तो चार दिन बारिश हुई, उसके बाद एक दिन थक गई शायद, आज बारिश का मन फिर से बरसने का ऐसा लग रहा है। सूरज भाई हालत देख सकते हो क्या बन रखी है पूरी, कैसे आए थे कैसे जा रहे हैं, इतने सुंदर से घर के बन के आए थे, जाते ना पूरे कीचड़ क्योंकि टंकी के अंदर घुसे थे ये।